नमस्कार, मैं चंदन सिंह। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातों को, भ्रामक बातों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि अगर बात किया जाए कि बहुत सारी तकनीकी आ जाने से आज AI जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो दुनिया के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा दिखाया जा रहा है। जबकि इस भ्रामक बातों को आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और NI नेचुरल इंटेलिजेंसी में, नेचुरल इंटेलिजेंसी के चलते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बनाया जा सकता है। ये असंभव है कि कभी भी नेचुरल इंटेलिजेंसी जो है को आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ जाए। फिल्मों में अच्छी दिखाई जा सकती है, रियल में ऐसा हो ही नहीं सकता। कारण क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी प्रकार का आर्टिफिशियल मशीन से हो चाहे कुछ भी हो, उसको कमांड करने के लिए नेचुरल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी किसी भी ऐसी परिस्थिति। क्योंकि अगर नेचुरल इंटेलिजेंस को हटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सेट कर दें, मान लीजिए कि ऑटोमेटिक कमांड्स देती जा रही है, तो दुनिया के लिए खतरनाक तो हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, ये तो कॉमन सी बात है कि नष्ट हो ही जाएगा। यानी कि हर चीज़ के लिए कमांडर की आवश्यकता होगी, नेचुरल कमांडर की आवश्यकता पड़ने ही वाली है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आर्टिफिशियल मतलब AI दुनिया पे राज करे, ऐसा गलत होगा, पूरी तरह से गलत होगा। ये एक मिथ है, जैसे कि भ्रामक प्रचार करना, AI का प्रचार करके लोगों को डराना, जो लोग जैसे होता है ना कि नहीं समझते उनको समझा के बेवकूफ़ बनाना, ये केवल AI ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कमांड के आप AI का पूरा पूरे सिस्टम को ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास एक मशीन है, आपको पता है कि ये ऑटोमेटिक कॉल करती है, लेकिन कई ऐसे कस्टमर्स का कहना है कि ये मशीन उतना फायदेमंद नहीं होती है। जबकि ऐसा नहीं है, फायदेमंद तो है, लेकिन कब फायदेमंद होगी? जब उसका कमांडर सही होगा। कमांडर का मतलब कि उसको मैनेज करने के लिए, जैसे कोई गाड़ी वगैरह आप खरीद लेते हैं, कितना भी ऑटोमेटिक ले लीजिए, फिर भी उसको ड्राइवर की आवश्यकता होती है। आप मानते हैं कि चलिए आर्टिफिशियल ड्राइवर भी हम ला दें, जैसे टेस्ला अपना ऑटोमेटिक कार ऐसा बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि अभी तक उस तरह का सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और वो कब तक सक्सेस होगा उसको भी हैंडल करने के लिए एक नेचुरल इंटेलिजेंस कमांडर की आवश्यकता होगी ही होगी। नेचुरल कमांडर मतलब NI पर्सन का होना ज़रूरी है, AI कभी सक्सेस नहीं हो सकती। इस बात को आप समझ लीजिएगा। कारण क्या है ना कि लोग केवल भ्रम और मिथ फैलाने के लिए, इस पर किसी का कंट्रोल्स भी नहीं है। जैसे आपको बता दें कि हर चीज़ की जो भी तकनीकी है, जो भी है सिस्टम, उसको किया तो जा सकता है, यूज़ तो किया जा सकता है, मिसयूज़ मतलब खतरनाक भी हो सकता है। AI खतरनाक हो सकता है, लेकिन बिना ह्यूमन ब्रेन के पूरी तरह से खतरनाक नहीं। कोई ऐसा पर्सन उसके अंदर इन्वॉल्व होगा जो नेचुरल इंटेलिजेंट पर्सन, तभी वो AI काम कर सकती है। समझ जाइएगा कि AI इतना खतरनाक कभी नहीं हो सकती। हाँ, उसमें नेचुरल पर्सन नहीं रहेगा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसी तरह से किसी भी टेक्निक को चलाने के लिए इस बात को समझिए कि कमांडर की आवश्यकता पड़ेगी तो उस चीज़ को सही से चलाया जा सकता है। चलिए, खैर, हमें AI काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि देखिए हमारी बहुत सारे काम को आसान करने वाली है। इससे हमें फ़ायदा भी मिल सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। आपको पता होगा जैसे कि परमाणु बम जो बनाया गया है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर सही सदुपयोग कर लें तो उससे कितने दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन उसी का दुरुपयोग किया जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में भी समझना चाहिए। यानी कि AI के लिए आप यूज़ करो तो काफ़ी बेनिफिशियल होगी, मिसयूज़ करेंगे तो खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप समझिए, भ्रामक एडवर्टीजमेंट में मत जाइए कि AI आ जाएगा तो दुनिया पे कंट्रोल कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कभी भी बिना कमांडर के, बिना नेचुरल पर्सन के
मतलब एनआई के एआई कभी सक्सेस नहीं हो सकता, नेचुरल इंटेलिजेंसी लगनी ही लगनी है, क्योंकि एआई को कभी भी लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं किया जा सकता, कभी भी वो फेल हो जाएगी, कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी, वो कंट्रोल्स नहीं कर सकती। तो दोस्तों इस बात को आप समझिए, बाकी टेक्नोलॉजीज को समझिए, हमारी मशीनरीज को समझिए, उसमें कमांड देने की भी बात सोचिए, उसको यूज़ करना भी सोचिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंसी की आवश्यकता पड़ने ही वाली है, बिना उसके आप कोई भी चीज़ सही तरीके से मैनेज और ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।